मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मौत से फैंस ही नहीं इंडस्ट्री के लोग भी गहरे सदमे में हैं। आत्महत्या के बाद पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि एक्ट्रेस को उसका पूर्व बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी पिछले 2.5 साल से परेशान कर रहा था। तफ्तीश में पुलिस के हाथ सुसाइड नोट भी लगा था जिसमें एक्ट्रेस ने राहुल को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। इस बीच पुलिस ने कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद 19 अक्टूबर को आखिरकार राहुल को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को इंदौर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की राहुल की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने यह मांग खारिज करते हुए राहुल को 4 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि पहले पुलिस राहुल को ऑनलाइन कोर्ट में पेश करना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट से फटकार के बाद आरोपी को कुछ ही देर में के भीतर अदालत में पेश किया गया। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर को वैशाली ने अपने इंदौर स्थित आवास पर पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस घटना के बाद पुलिस के हाथ वैशाली की डायरी लगी थी। इस डायरी में राहुल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके मुताबिक राहुल ने एक्ट्रेस की शादी पहले भी तोड़वाई थी और वह दोबारा उन्हें परेशान कर रहा था। वैशाली की आत्महत्या करने के बाद राहुल फरार था, लेकिन पुलिस ने दबिश देते हुए उसे 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया।